Good morning, students. So today we are going to start our next topic, and this is our lecture number 3. Okay. So our topic is India's foreign trade after independence. Actually, we have already discussed about the about one part of this topic, volume of foreign trade. Okay. So let's start. Yes, students. So India's foreign trade after independence. Okay, ये हम study कर रहे हैं. So हमने So we studied about this. So after independence, economic planning helps a lot for the growth of international trade. International trade. Following are the main highlights that present the position of India's foreign trade after independence. Okay, तो मैंने आपको कल जो lecture है उसमें ये बताया था कि जो after independence जो हमारा India's foreign trade था उसमें काफी जो है उसकी growth हुई है और उसका जो main जो है main उसका जो आप कहें कि किसको क्रेडिट जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग को क्योंकि तो हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके थ्रू ही हम अपने इंडिया जो हमारे फॉरेन ट्रेड है इंडियाज फॉरेन ट्रेड है उनमें हम उनको बढ़ा पाए हैं. ओके तो यहाँ पर हमने जो 3 कंपोनेंट्स देखे थे वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड यस वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड थर्ड इज डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड जिसमें वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड जिसमें मैंने आपको क्या बताया था वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर कि ये क्या है. एक तरीके से हम इसमें ये देखते हैं कि क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक इकोनॉमी की जो एबिलिटी मतलब ये क्या दिखाते हैं हमारी कि एक इकोनॉमी की जो एबिलिटी है ठीक है मतलब कि क्वांटिटी को बताता है कि हम कितनी क्वांटिटी में जो इम्पोर्ट एंड गुड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं ठीक है इंडिया के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर तो वो हमारे वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड में आता है. और हमने इसमें एक टेबल देखी थी जिसके अंदर हमने देखिए मतलब हमने बताया था वॉल्यूम फॉरेन ट्रेड मीन्स क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री ठीक है. तो मेन ये था कि हम यहाँ पर क्वांटिटी को मेजर करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हम एक कंट्री जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है. ओके तो हमने एक टेबल देखी थी इस टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे जो हमारे इंपोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है अगर इनकी वैल्यूज देखी जाए तो हम देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट जो है हर एक प्लानिंग के अंदर फर्स्ट टू जो 12th प्लान हमें दिए हुए हैं उनमें हर एक में जो हमारे इम्पोर्ट है इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट. लेकिन क्योंकि हमारा जो है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम ये कहें कि हालांकि इसमें इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि हमारे दोनों दोनों जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उसमें इंक्रीजिंग तो हो रहा है ना. चाहे हम ग्लोबल लेवल के ऊपर इनका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है मतलब कि इनका जो पार्टिसिपेशन है फॉरेन ट्रेड का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिया फॉरेन ट्रेड का वो पार्टिसिपेशन कम है लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि इनमें काफी ह्यूज मतलब जंप आया है दोनों इंक्रीज हुए हैं. तो इसका रीजन मैंने आपको बताया था बेस इफेक्ट कि हम एक बेस से लेके चलते हैं कि बेस में क्या था और आज के टाइम पर क्या है तो उसके हिसाब से हम बताते हैं. जैसे हमने यहाँ देखा था कि 1951 टू 56 में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही कितने हैं 3500 के नियर अबाउट है ठीक है ज्यादा नहीं है लेकिन 12th प्लान तक अगर हम जाए तो ये करोड़ों में पहुंच गए हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं एक ह्यूज जंप था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इंक्रीजिंग में लेकिन अगर हम एक ग्लोबल लेवल के ऊपर देखें तो ग्लोबल लेवल के ऊपर जो इसके इंक्रीजिंग थी मतलब जो इसके पार्टिसिपेशन है हमारे इंडिया का वो अभी भी इतना ज्यादा नहीं था. और ये भी बताया था मैंने कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें ब्रिटिशों के टाइम पर तो वहां पर हमारे एक्सपोर्ट ग्रेटर देन थे इंपोर्ट से सरप्लस का सिचुएशन थी और लेकिन उस सरप्लस के सिचुएशन होते हुए भी हमारी इकोनॉमी क्यों डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि जो वो सरप्लस होता था उस सरप्लस का यूज ब्रिटिश क्या करते थे अपनी जो अपने एक्सपेंडिचर होते थे अपने अपने जो उनकी आर्मी थी या और जो उनके खर्चे थे उनको पूरा करने में वो यूज करते थे ना कि वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में. ओके तो हमने यहाँ पर कुछ डाटा देखा था कि कितना टाइम जो है हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है और कितने टाइम हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है. देखिए इंपोर्ट जो हमने देखा था यहाँ पर इंपोर्ट हमारा यहाँ पर 3612 टाइम इंक्रीज हुआ था जबकि एक्सपोर्ट जो है वो हमारा 2895 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. तो ये क्लियर कर रहा है कि इंक्रीजिंग तो हुई है जंप तो बहुत ज्यादा आया है लेकिन अगर हम वैसे बात करें वॉल्यूम की तो वो इतना ज्यादा नहीं हुआ.
ओके सो हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी थी इस टेबल के, अभी इस डाटा को लेते हुए, कि दोनों जो बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट हैं वो क्या शो कर रहे थे, ह्यूज जंप, बट दैट इज बिकॉज इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड इज वेरी लो. ये सिर्फ किस कारण से था, क्योंकि इनिशियल लेवल पे देखे तो हमारे फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम जो था वो काफी लो था. इसी तरीके से हमने देखा जो इंडिया फॉरेन ट्रेड थे वो हमारे क्या हुए हैं, हालांकि वो इम्प्रूव हुए हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ वो इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन हमारा जो पार्टिसिपेशन था ग्लोबल लेवल के ऊपर वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है. वो डिक्लाइन होकर 1.8% से, जो 1951 में 1.8% से 1991 में कितना रह गया था, 0.85%. और ये रीजन क्या था, क्योंकि 1991 के बाद ही हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, जिसमें हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, और इसके बाद से ये परसेंटेज जो है, जो ये डाउन हुआ था, ये इंक्रीज होना शुरू हो गया था. और वो हमने देखा भी था कि आफ्टर 1991 जो हमारे पास यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से, आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे इंडिया का जो शेयर था फॉरेन ट्रेड के अंदर वो इम्प्रूव हुआ. इम्पोर्ट जो थे वो हमारे 2.6% से, और एक्सपोर्ट जो है वो 2.1% इंक्रीज हुए. ओके सो ये धीरे धीरे इंक्रीज होता चला गया. ओके तो ये हमने वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है कल स्टडी कर चुके हैं हम लोग. नेक्स्ट जो है, टुडे वी विल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. सो कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, अब नाम से ही पता चल रहा है कंपोजिशन क्या है, कि रचना, ठीक है, कंपोजिशन करना, कंपोज करना. तो कंपोजिशन में हम क्या देखते हैं, कंपोजिशन में हम देखेंगे कि हम किन गुड्स का, कौन सी गुड्स हमने बाहर इंपोर्ट की, सेल की, कौन सी गुड्स हमने क्या की, मतलब एक्सपोर्ट की है वहां से, तो कंपोजिशन को स्टडी करेंगे यहाँ पर. सो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स थिंग्स, ठीक है, वो चीजें, थिंग्स दैट वी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जिन चीजों को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस देर इज अ चेंज इन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अब जब हम मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस ना, हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जो गुड्स एंड सर्विसेज का हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे थे, उसमें काफी चेंजेस आए हैं. बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे वो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. और कई चीजें ऐसी थी जो हम पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे लेकिन अब हम उनको क्या कर रहे हैं, अब हम उन्हें एक्सपोर्ट नहीं करते, ठीक है. तो हमारी जो कंपोजिशन है फॉरेन ट्रेड की, उसमें काफी चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट हमारा जो चेंज आया था, डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. अब ये सारा आपका पिछले चैप्टर में, पिछले जो चैप्टर जो आप स्टडी करके आए हैं उससे लिंक है. हमने ऑन डे ऑफ इंडिपेंडेंस स्टडी किया था कि जो ब्रिटिश टाइम के अंदर क्या था, हम जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे, और उसके अंदर भी हम उनको जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उनको एज अ रॉ मटेरियल उसको एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, आपको याद होगा. एज अ रॉ मटेरियल जैसे ब्रिटिश जो थे, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, और इंडस्ट्रियल अपनी वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, यानी वहां पर इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश, सही तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए, उनके अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत थी. जैसे मैंने बताया था, जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहां पर, उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन चाहिए थी, और हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे वो बहुत ही फाइन क्वालिटी के होते थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया और वहां पर ले गए. तो बट आफ्टर इंडिपेंडेंस देर इज अ डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. यहाँ पर डिक्लाइन हो गई इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की. रीजन क्या थे डिक्लाइन करने के, सबसे पहला रीजन तो यही है क्योंकि हमारी, आपको पता है, यू नो दैट, कि जो पॉपुलेशन है, इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से उनकी कंजप्शन भी बढ़ेगी. कंजप्शन इंक्रीज होगी तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो ऑब्वियस है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो उनको उनके चाहिए होगी, ठीक है. तो जब डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक, तो अब उन चीजों को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, ठीक
ठीक है, अब उसको उनका एक्सपोर्ट हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी कंट्री है जब किसी चीज की प्रोडक्शन करती है तो सबसे पहले वो अपनी जो डोमेस्टिक कंजप्शन है उसको फुलफिल करती है, उसके बाद अगर सरप्लस बचे तो वो एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो पहले एक्सपोर्ट किए जाते थे, अब ये जो लोगों जो पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ी है, ठीक है, उसकी वजह से अब उनको हम अपनी ही डोमेस्टिक क्या होने लगी, अपनी ही डोमेस्टिक कंजप्शन को फुलफिल करने के लिए उनका यूज होने लगा। ओके, तो इस तरीके से अब जो है, और दूसरा दूसरा क्या था कि यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही थी, ठीक है, उनकी वो इस्टेब्लिश हो रही थी नई नई इंडस्ट्रीज। तो अब क्या था, जब नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं तो उनको भी रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए। तो जो रॉ मटेरियल हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब उसी रॉ मटेरियल की नीड कहाँ पर थी, रिक्वायरमेंट हमारी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में थी। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके एक्सपोर्ट जो है वो कंपेटिवली जो है पहले के अब वो डिक्लाइन हो गया था। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस देर इज अ डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर फूड प्रोड्यूसेस इंडियन नाउ यूजिंग देम एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ये मैंने अभी आपको बताया, सॉरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अब वो अपनी ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए इस रॉ मटेरियल को यूज करने लगे। ओके, एंड सेकेंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मैंने अभी बताया ना पॉपुलेशन भी कंटिन्यूसली आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, पॉपुलेशन जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड टू अ इंक्रीज इन द डोमेस्टिक कंजप्शन, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कंजप्शन भी इंक्रीज होगी, तो डोमेस्टिक कंजप्शन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली जो चीजें हैं वो क्या होंगी, पहले अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन को फुलफिल करने के लिए यूज यूज करी की जाएंगी। तो इसीलिए जो है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका शेयर अब परसेंटेज शेयर जो है वो अब फॉर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर वो कम हो गया था। ओके, सेकेंड क्या था यहाँ पर, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम, यानी डिक्लाइन द शेयर इन शेयर ऑफ द कन्वेंशनल आइटम। अब यहाँ पर जब हम कन्वेंशनल आइटम की बात करते हैं तो कब क्या होता, पहले तो ये पता ना कन्वेंशनल आइटम क्या होती हैं, यानी कि जो कन्वेंशनल मतलब परंपरागत जो शुरू से चली आ रही हैं आइटम्स, यानी हम देखेंगे जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो पहले के टाइम पर भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और आज भी वो कंटिन्यूसली वो चीजें चली आ रही हैं, ठीक है, तो वो कन्वेंशनल आइटम होती हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो कन्वेंशनल आइटम है इनका जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे इसका शेयर भी अब कम हो गया है, क्योंकि कन्वेंशनल आइटम में हम लोग क्या लेते हैं, कन्वेंशनल आइटम में हम लोग इंक्लूड करते हैं जूट, टी, फूड ग्रेन्स एंड मिनरल्स। ओके, सो कन्वेंशनल आइटम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, जूट, टी, फूड ग्रेन्स एंड मिनरल्स, मतलब ये चार प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पहले के टाइम पर भी क्या किए जा रहे थे, एक्सपोर्ट किए जा रहे थे और आज भी इनको किया जाता है। एंड दीज आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटेड टू द बल्क ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा इसको एक्सपोर्ट किया जाता था, बट विद प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन प्लेस डोमेस्टिक डिमांड फॉर अ कन्वेंशनल आइटम हैज टेंडेड टू राइज। लेकिन अब क्या हुआ, टाइम के साथ साथ इनकी जो डिमांड है, इन कन्वेंशनल आइटम की डिमांड इंक्रीज होती चली गई। ओके, सो इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, देयर शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट हैज टेंडेड टू फॉल, सॉरी, सो देयर इज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल गुड्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक कंज्यूमर। अब डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो हैं उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये जो कन्वेंशनल गुड्स गुड्स जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे इसका परसेंटेज शेयर अब डिक्लाइन हो गया, अब इनको हम पहले से कम एक्सपोर्ट करते थे क्योंकि सबसे पहले हमने अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की जो डिमांड है उनको फुलफिल करना था। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। अब याद होगा आपको पिछले जो हमने चैप्टर पढ़े हैं, जो ये मैन्युफैक्चर गुड्स हमने आपको मैं एकदम से माइंड में हिट भी किया होगा कि जो ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उस टाइम पर क्या था, हम क्या करते थे, या हम ब्रिटिशों के टाइम में क्या करते थे, हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे
और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती थी, जो फिनिश गुड्स होती थी, उनको हमारे यहाँ पर इम्पोर्ट होता था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होगी, एकदम से आई होगी इसमें। सो अब ये जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, इसका शेयर अब इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग जो हैं, रॉ मटेरियल का जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे, हमने अभी देखा उसका परसेंटेज तो डिक्लाइन हो गया, और जो मैन्युफैक्चर गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, उसका परसेंटेज शेयर बढ़ गया है। यानी अब हम खुद ही रॉ में, क्योंकि क्या क्यों बढ़ गया है, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा कि जो हम रॉ मटेरियल पहले बाहर देते थे, अब उसी रॉ मटेरियल को हम अपनी ही इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो उन रॉ मटेरियल को यूज करके हम गुड़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर उसके बाद उन गुड्स को बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो शेयर जो एक्सपोर्ट का, मैन्युफैक्चर गुड्स का, वो इंक्रीज हुआ है। सो देर इज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया से अब मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट है, वो काफी इंक्रीज हुआ है। एंड इसके अंदर अब हम ये बात करें कि इसके अंदर कौन सी गुड्स जो है वो अभी जिनका एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। सो प्रेजेंटली जेम्स एंड प्रीशियस मेटल, मशीनरी एंड व्हीकल्स आर द नोटेबल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। ये चार चीजें हैं, कौन कौन सी? जेम्स, प्रीसियस मेटल्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। ये चार चीजें जो हैं आज के टाइम पर प्रेजेंटली हम बात करें, इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। दिस पॉइंट टू द फैक्ट दैट प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी जो हमने प्लानिंग, जो हमने 5 ईयर प्लान शुरू किए थे, सो हैव स्टार्टेड यील्डिंग रिजल्ट। यानी कि जब हमने वो स्टार्ट किए तो उससे हमारे जो रिजल्ट आए वो बहुत ज्यादा बेटर थे पहले से। यानी अब जो हमारी कंट्री थी वो अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ओके, सो दीज चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड सजेस्ट दैट इंडिया इज नो लॉन्गर अ स्टैटिक एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। ये जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड की कंपोजिशन में जो हमने चेंजेस देखे हैं, ये हमें ये दिखाते हैं, ये शो करते हैं कि इंडिया जो है अब वो एक स्टैटिक और बैकवर्ड इकोनॉमी जो है नहीं रहेगी, या नहीं, अभी भी नहीं है और नहीं रहेगी आगे जाके। दैट इज इंडियन इकोनॉमी इज नो लॉन्गर मियरली एन एग्रेरियन इकोनॉमी, ना ही ये बहुत लंबे टाइम तक जाके एक एग्रेरियन इकोनॉमी रहेगी, क्योंकि आप धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इंडिया के अंदर हो रहा है। क्लियर? सो ऑल दीज चेंजेस मेक इंडियन इकोनॉमी अ डेवलपिंग इकोनॉमी हैविंग ग्लोबल रीच एंड नॉट मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ओनली। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, अब डायरेक्शन क्या होती है? दिशा दिखाना। ठीक है, किस दी? तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी अब हमने देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड का डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में ये जा रही है। इट मीन्स कि हमें ये देखना है, एक तरीके से हम ये देखेंगे इसके अंदर कि किन कंट्रीज के साथ अब इंडिया जो है किन कंट्री के साथ एक्सपोर्ट कर रही है, कहाँ से इम्पोर्ट कर रही है, कितनी परसेंटेज किस कहाँ से हो रहा है। ठीक है, डेटा देखे तो एक तरीके से ये वो टॉपिक है जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपको डेटा भी देख मिलेंगे, और आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको क्रैम करने होंगे। तो ये लर्न करने वाली चीजें भी हैं कि भाई आपको ये याद करना है कि कौन कौन सी कंट्री के साथ वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, उनमें से लीडिंग कंट्रीज कौन सी हैं, अच्छा कितनी कितनी क्वांटिटी को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट जो ये टॉपिक है ना, ये एक लर्निंग पॉइंट वाला टॉपिक है। ठीक है, सो फर्स्ट जो है यहाँ पर आपके पास, सो सिंस 1951 डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज आल्सो अंडरगोन अ सब्सटेंशियल चेंज। अगर हम 1951 से बात करें तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड के डायरेक्शन को देखें तो उसमें काफी कुछ चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट है, ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट है। ठीक है, जो जिसमें क्या है, जिसके अंदर हम ये दिखा रहे हैं कि टाइम के साथ साथ हम जो है कितने ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम कितने स्ट्रोंग हो गए हैं। सो फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इट मींस विद विच कंट्री वी आर डूइंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। किस कंट्री के साथ, किन किन कंट्री के साथ हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज एक्सपोर्टिंग टू होम कंट्री एंड इंपोर्टिंग फ्रॉम विच कंट्री। ओके, सो फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट इज इंडिया इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग हैंड
ऑन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी जो पोजीशन है ना वो अब काफी स्ट्रोंग हो गई है। एज द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड अंडरगोज वेरियस चेंजेस ओवर द पीरियड। जैसे जैसे टाइम बढ़ा है तो इंडिया का जो है फॉरेन ट्रेड जो है उसकी डायरेक्शन की बात करें तो वो इतना ज्यादा चेंजेस आया है कि अब वो अपनी एक बड़ी ही पावरफुल कंडीशन जो सिचुएशन है अपनी इमेज है वो बनाए हुए हैं। यानी इंडिया जो है अब इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है कि अगर वो कहीं किसी भी कंट्रीज के कहीं भी इंटरनेशनल मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अगर वो कम कर देता है या किसी प्रोडक्ट के सप्लाई को कम कर देता है तो उससे जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसने एक अपनी एक स्ट्रोंग जो है ना इमेज बनाई है। ठीक है। एंड सेकंड प्रेजेंटली अगर हम बात करें वी आर ट्रेडिंग विद यूएई, यूएसए, स्विट्जरलैंड, चाइना। यहाँ पर आपके पास यूएई के बाद आप चाइना भी लिखें। ठीक है, यूएई, चाइना। हालांकि इस टाइम पर धीरे धीरे जैसे आज का टाइम ले तो चाइना के साथ जो ट्रेडें हैं वो काफी कम हुआ है और आगे जाके और कम हो जाएगा। ओके, सो यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान एंड बेल्जियम। ओके, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ आज के टाइम पर इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। जबकि अगर हम बात करें 1951 के टाइम की तो उस टाइम पर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अगर हम बात करें इंडिया की तो वो कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड जो फर्म्स जो कंट्रीज थी सिर्फ उन्हीं के साथ करता था। जिसके अंदर मेन बात करें तो उस टाइम पर सिर्फ एक तो यूके था, एक हम बात करें यूएसए, और एक हम बात करते हैं कुछ एक जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी उनके साथ सिर्फ इंडिया का क्या होता था, इंडिया जो है ट्रेड करता था। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखें तो वो कितनी कंट्रीज के साथ जो है ट्रेड कर रहा है, यूएई, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान एंड ऑलमोस्ट मतलब वो है कंट्रीज के साथ अब क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। सो अ नोटेबल फीचर ऑफ द डायरेक्शन पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज दैट इन द रिसेंट ईयर यूएई हैज इमर्ज्ड एज आवर लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपके पास को याद कर एक देखो के नोट करने वाली बात है कि पहले जो इंडिया जो था ना, इंडिया मतलब जो लीडिंग लीडिंग कंट्री थी जिसके साथ वो ट्रेड करता था तो 2007-08 की अगर हम बात करें, ठीक है, 2007-08 इसके अंदर जो लीडिंग पार्टनर था इंडिया का वो कौन था, यूएसए। यूएसए के साथ सबसे ज्यादा वो क्या करता था, ट्रेड करता था। लेकिन अब जो है अब वो इसकी जो पोजीशन है यूएसए की वो किसने ले ली है, यूएई ने। अब यूएई इसका क्या है, लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर है। और यूएसए इसके बाद और यूएई के बाद आता है चाइना, चाइना के बाद आता है यूएसए। ठीक है, हालांकि मैं कह रही हूँ कि अभी जो चाइना है उसकी सिचुएशन धीरे धीरे डाउन जा रही है, लेकिन उससे अगर ये बात करें हम डाटा के हिसाब से अभी जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से इस आज के टाइम पर फर्स्ट जो लीडिंग पार्टनर है वो यूएई है, उसके बाद चाइना था है, उसके बाद यूएसए, फिर स्विट्जरलैंड है, इस तरीके से। ओके, सो इंडियाज इंटरनेशनल पार्टनर आर चेंजिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। यूएसए इज वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल पार्टनर विद 15.9% शेयर फॉलोड बाय यूएई। मतलब यूएसए जो है लीडिंग इंटरनेशनल पार्टनर है किसके के साथ, उसका शेयर कितना है 15.9% शेयर फॉलोड बाय यूएई। यूएई का कितना, 9.1%, चाइना का 5.1% 2018-19 फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट। ओके, एक्सपोर्ट के लिए बता रहे हैं वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपके पास शेयर दिखा दिए हैं कि यूएसए शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2018-19 वाज रिकॉर्डेड टू बी कितने रिकॉर्ड किया गया, 15.9% एंड व्हाइल दैट ऑफ यूएई वाज 9.1%। ओके, एंड लाइकवाइज चाइना शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट वाज रिकॉर्डेड एज 5.1%। ओके, और अगर हम बात करें इंपोर्ट की तो इंपोर्ट में कितना शेयर रहा है, एज फार एज इंडियाज इंपोर्ट इज कंसर्न चाइना हैज ऑक्यूपाइड फर्स्ट पोजिशन।
चाइना ने पहली पोजीशन ली हुई है, जिसके अंदर वो इंडिया के साथ 13.7% का इंपोर्ट करता है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यूएसए, जिसने 6.9% आता है। फिर उसके बाद आता है सऊदी अरबिया में, इंडिया का इंपोर्ट होता है 5.6%, और देन स्विट्जरलैंड 3.5%। ओके, अब जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया हैज ऑल्सो एमर्ज एज आर सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर, रिकॉर्डिंग अबाउट 4% शेयर इन इंडिया फॉरन ट्रेड बिटवीन 2010-11 एंड 2018-19। ओके, तो अब ये जो पॉइंट है, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट जो है ना, इसके अंदर लिखा हुआ है सारा, आप देख रहे हो। इसके बाद चाइना के बारे में बताया गया है इस टॉपिक के अंदर कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इट इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड, चाइना गुड्स हैव डोमिनेटेड द इंडियन मार्केट मच मोर देन द इंडियन गुड्स इन द चाइनीज मार्केट। ये आप सबको पता है कि हम यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर देखे, तो चाइना जो है ना, चाइना की गुड्स जो है, उसने हमारी इंडियन मार्केट को, वो एक तरीके से कहते हैं ना, खा जाना किसी को, तो इंडियन मार्केट को उसने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। आप देखते हो कि आज के टाइम पर हमारी इंडियन मार्केट में चाइना की जो गुड्स हैं वो उनकी भरमार है, लोग चाइनीज गुड्स खरीदते हैं। लेकिन आप ये चीज देखें, अगर हम बात करें चाइना की मार्केट में, तो वहां पर इंडियन गुड्स की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है। सो दैट चाइना हैज सक्सीडेड मच मोर देन इंडिया इन हार्नेसिंग द गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और यही कारण है कि जो चाइना जो है वो इंडिया के कंपैरेटिवली इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ज्यादा गेन, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, एक जो रैंक के में भी वो सबसे ज्यादा है। ओके, सो उसके बाद जो आपके पास आज हम जो करेंगे इसका, इसी टॉपिक का लास्ट है, यस, 1991 आ ईयर ऑफ डिवाइड। सो याद होगा आपको, फर्स्ट चैप्टर में हमने आ ईयर ग्रेट डिवाइड ना करा था, ईयर ग्रेट डिवाइड जो 1921 था वो अलग चीज है, ये है आ ईयर ऑफ डिवाइड 1991। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो ग्रेट डिवाइड है 1921 का, और ये है आ ईयर ऑफ डिवाइड 1991। ओके, सो ये क्या है, हमने क्यों 1991 को एक क्या है डिवाइड का ये जो बनाया है, ईयर बनाया है। सो यहाँ पर स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ब्रिंग्स आउट अ सिग्निफिकेंट पॉइंट दैट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज टेंडेड टू गेन मोमेंटम ओनली आफ्टर 1990। यानी कि हमने जो है ना वो बात कर रहा है कि ट्रेडिंग, मतलब अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, पीछे हमने भी पढ़ा ना वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसके अंदर हमने टेबल देखी थी, ठीक है। उस टेबल के अंदर अगर हम जितने भी सभी हमने डाटा देखे, तो हमारा, हमने डाटा के जरिए हमें ये क्लियर हुआ कि जो हमारे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों के दोनों इंक्रीज हुए, लेकिन इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए, इम्पोर्ट अभी भी ज्यादा थे एक्सपोर्ट से। और उसके बाद हमने लास्ट में देखा कि अगर हम परसेंटेज शेयर देखें तो वो पहले से कम हुआ है, ठीक है। लेकिन हम बात करें आफ्टर 1990, ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ा। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि 1990 के बाद ही हमने जो है फॉरेन ट्रेड के अंदर हमने गेनिंग करनी स्टार्ट की, हमें मिलना स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पर ये क्या हुआ, व्हाई इट इज, व्हाई क्यों हुआ ऐसे, तो इसके कारण क्या था, फर्स्ट टिल 1990 वी वर रिलाइंग ऑन अ डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटेजी। 1990 तक हम जो है एक डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटेजी को के उस साथ चल रहे थे, और वो स्ट्रेटेजी क्या थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आपको याद होगा मैंने बताया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर क्या आता, जो चीजें हम पहले बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अब उन्हीं प्रोडक्ट को हम बाहर से इंपोर्ट ना करके अपने ही कंट्री के अंदर उनको बना रहे थे। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, ये इसके अंदर, इसके जो रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट में हमें जो मिला वो उसके अंदर हम टोटली फेल हो गए, क्योंकि हमारे जो हम अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट बना रहे थे वो हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखे तो वो कंपटीशन कर नहीं पाए, वो वहां पर वो स्टैंडर्ड गेन नहीं कर पाए अपनी प्रोडक्ट को लेकर जो इंटरनेशनल लेवल पर चाहिए। तो
क्या हुआ कि ये हम इसके अंदर फेल हो गए. सो इट वाज ओनली इन 1991, ये केवल 1991 का ईयर ही था. सो दैट वी शिफ्ट टू द स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन. जहां हमने कौन सी स्ट्रेटेजी अपना ली, एक्सपोर्ट प्रमोशन की. एक्सपोर्ट प्रमोशन की यानी अब हमने ये सोचा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हमने एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट किया, यानी अब हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शुरू कर दिए. ठीक है, एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट किया. सो विच ट्रिगर आर राइज इन आर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही क्या हुए, काफी ज्यादा राइज होने स्टार्ट हो गए. तो इस तरीके से ये जो 1991 का जो ईयर है, इसको बोला जाता है अ ईयर ऑफ डिवाइड. ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक इट्स इनफ नाउ. सो और टुमारो वी विल डिस्कस आर नेक्स्ट टॉपिक, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, यानी या फिर यू कैन से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.